And for those of you who don't know me, my name is Mithali Nee, 2020 AIR 68. So before beginning the video, I would like to mention here that as we all know, question practicing is a very important factor while preparing for any competitive exam. The Neet Shala app provides you an absolutely free NCERT based question bank for all the chapters in which they give you solutions to each question, and also you can save your chapters so that you don't have to reselect them every time you come back. If you're interested in checking their question bank out, I'll leave a link to it in the description. You can definitely check it and increase your practice of questions. So, I hope that आप सब ने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा. It is going to be about how I scored 360 on 360 in NEET in biology in 2020. So, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे mention करना चाहूँगी, that I'm really sorry that I won't be able to add the subtitles in this video. थोड़ा सा glitch हो रहा था, that is why I'll try to speak in English in this video so that everybody is comfortable और सब लोग मुझे समझ पाएँ. So let's quickly get into the video. Okay, so I will be sharing with you five important points जो मैंने अपने preparation में follow किए थे for biology, जो मुझे लगता है बहुत important हैं and which helped me get a full score in NEET biology. So the first point that I'll be discussing is master NCERT. NCERT हमारे लिए is a bible while we are preparing for NEET biology, क्योंकि तुम 2020 का paper उठाकर देख सकते हो, bio में एक भी question NCERT से बाहर नहीं पूछा गया, and they were damn easy questions. कोई rocket science नहीं लगनी है bio में, इसीलिए बहुत important है कि हम NCERT की एक एक statement, एक एक diagram, एक एक labeling, एक एक line को बहुत अच्छे से पढ़ें. हम try करें कि अगर NCERT से एक भी question आ रहा है ना, वो हमारा किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए. जब तुम टेस्ट दो, हमेशा ये एनालाइज़ करो कि तुम कितने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एंड ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट. एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी विल फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी की एक एक चीज़ को हम बहुत ध्यान देकर पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें. सेकेंड पॉइंट सेज कि मेक योर कॉन्टेंट प्रिसाइज. ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने कॉन्टेंट को जितना हो सके उतना लिमिटेड रखो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें बहुत सारा पढ़ना है, तो हम अपने आप ही लेजी हो जाते हैं और हमें वो करने का मन ही नहीं करता है. जैसे मैं पर्सनली क्या प्रैक्टिस करती थी कि मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे या जितने भी अलग पॉइंट्स लगते थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते थे जो क्लास में टीचर्स ने बताया, या जो कोई भी मैं कम अक्रॉस हुई और मुझे पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं उन पॉइंट्स को जो मेरी एनसीईआरटी के फ्री स्पेसेस होते थे उनमें लिख लेती थी. इससे बेनिफिट मुझे क्या होता था, एक तो मेरा रिविजन बहुत कम टाइम में और बहुत कन्वीनियंटली हो जाता था, क्योंकि क्या होता था कि मुझे सिर्फ उस चैप्टर की फिर एनसीईआरटी कवर करनी होती थी. लेकिन यहीं पर अगर मुझे दो तीन बुक्स पढ़नी हो, अगर मैं ऑलरेडी मेरे बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा हो कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो मुझे इसके लिए अपनी तीन बुक्स कंप्लीट करनी है, तो मैं अपने आप ही लेजी हो जाऊंगी और वो चैप्टर करने का मेरा मन ही नहीं करेगा. इसीलिए एनसीईआरटी में सब कुछ इंक्लूड कर लेना गेव मी अ बेनिफिट ऑफ द फैक्ट कि मेरा रिविजन फास्ट होने लगा, क्योंकि लास्ट में जब नीट बहुत पास आने लगता है तो रिविजन फास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा मेरा रिविजन बहुत कन्वीनियंट हो गया था, मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आता था. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कॉन्टेंट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. थर्ड पॉइंट सेज टू मेक चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स. तो देखो क्या होता है ना, बायो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, या हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है याद करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मॉर्फोलॉजी में जो फैमिलीज आती हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनके फ्लोरल फॉर्मूलाज, फ्लोरल डायग्राम्स, उन सबको याद रखना. उसके अलावा जैसे प्लांट डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है वो बहुत बड़ा लगता है, उसमें लगता है कि बहुत सारा याद करने का कॉन्टेंट है. एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
तो ऐसे सब चैप्टर्स के लिए जो कि बहुत बड़े हैं और जिनमें याद करने वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इन सब के लिए चार्ट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ और अपने स्टडी एरिया के आसपास चिपकाओ और उन पर रोज़ यू नो अपनी नज़र डालो। तुम उन्हें रोज़ देखोगे ना तो कम टाइम और कम एफर्ट के साथ वो तुम्हें बहुत ईजीली याद हो जाएंगे, इसलिए मेक इट अ हैबिट। फोर्थ पॉइंट सेज टू रिवाइज रेपिटेटिवली। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही फेस करते हैं कि हम चीज़ें भूलते बहुत जल्दी हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है अगर हम चैप्टर को हर 15-20 दिन बाद देखें ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब जैसे हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा ना नीट से पहले, हमें ट्राई करना है कि हम हर बायो का चैप्टर विद इन एन इंटरवल ऑफ 15-20 डेज बार बार रिवाइज कर सके, बार बार उसकी एनसीईआरटी पढ़ सके, ताकि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, वो जो पर्टिकुलर हाइलाइट्स हैं जो तुमने अपनी एनसीईआरटी में बना रखे हैं, वो तुम्हारे दिमाग में फिट होते चले जाएंगे। तुम जितनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उसे रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और सब कुछ कॉन्क्रीटली फिट होता जाएगा। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है मेरे स्कोर में, विच इज़ कि फिल इन द फ्री स्पेसेस इन योर डे और इन योर वीक। क्या होता है कि हमारे दिन में हमें बहुत सारे फ्री स्पेसेस मिलते हैं। फ्री स्पेसेस आर द टाइम्स जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब हमारा यू नो किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता, ऑल इन ऑल हम आइडली बैठे होते हैं। हम उस पर्टिकुलर टाइम को अपने स्टडी आवर्स में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम क्लास जल्दी पहुंच गए और तुम्हारे पास अभी 15-20 मिनट्स हैं तुम्हारे टीचर आने में, नाउ यू कैन स्पेंड दिस टाइम इन टू वेज़। या तो तुम अपने किसी फ्रेंड से बात कर लो, गॉसिप कर लो, या फिर तुम उसी फ्रेंड के साथ बायोलॉजी डिस्कस कर सकते हो। तुम उसके साथ जितने भी तुम कोई चैप्टर एक डिसाइड कर लो और तुम एक साथ बैठ के उस चैप्टर की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछ सकते हो। उससे क्या होगा, वन थिंग तुम्हारा टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, सेकंड थिंग तुम जब डिस्कशन करोगे ना तो तुम देखना, तुम जब डिस्कस करते हो तो तुम्हें उससे चीज़ें बहुत इजीली याद रहती हैं। इसलिए ट्राई करो एक ऐसा फ्रेंड सर्कल हो जिसमें तुम लोग बैठ के बायो अच्छे से डिस्कस कर पाओ। फॉर एग्जांपल डिनर के बाद अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम अपने फ्रेंड्स को बुला लो और तुम सारे बैठ कर यू नो बायो डिस्कस कर लो। फ़ोन पर आजकल तो यू नो यू कैन डू अ वीडियो कॉल और एनीथिंग लाइक दैट, और बैठ के बायो डिस्कस करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बायो डिस्कस करने से बहुत इंटरैक्टिव वे में हम लर्न कर पाते हैं बायो को, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद था बायो डिस्कस करना। तो इवन यू कैन ट्राई दैट। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड, दीज वर माय 5 गोल्डन टिप्स जो मैंने यूज़ करी हैं अपनी बायो प्रिपेयर करने के लिए, और मुझे लगता है कि दीज आर यू नो मोर और लेस ऑल द थिंग्स दैट आई हैड कवर्ड इन दिस वीडियो जो मैं करती थी वेल प्रिपेयरिंग फॉर नीट बायोलॉजी। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई होप कि तुम अपना स्कोर इस वीडियो को देख कर थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाओ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर एस्पिरेंट फ्रेंड्स और होम सो एवर यू थिंक विल बी बेनिफिटेड विद दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन लीव इट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूँगी। उसके अलावा आई राइट ब्लॉग, सो आई लीव द लिंक टू माई ब्लॉग ऑल्सो बिलो, यू कैन चेक दैट आउट। एंड आई हैव अ डांस पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड अ डांस यूट्यूब चैनल, दोनों का लिंक नीचे प्रेजेंट होगा, अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। And I will see you all again very very soon on the channel with more NEET related content, hoping to help you all with the kind of content that I create. Till then, stay safe, stay happy, bye bye.